शूटर गेम्स हम सब ने कभी ना कभी शूटर गेम्स अपनी लाइफ में जरूर खेले हैं, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी एक फर्स्ट पर्सन शूटर है, मैक्स पेन एक थर्ड पर्सन शूटर है। वीडियो गेम मार्केट में फर्स्ट पर्सन शूटर्स काफी टाइम से रहे हैं, बट आफ्टर कॉल ऑफ ड्यूटी 4 मॉडर्न वॉरफेयर 2007 वाली, देयर वॉज अ सडन सर्ज इन फर्स्ट पर्सन शूटर्स लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी। बट देयर वॉज वन फ्रेंचाइज विच ट्राइड टू बी डिफरेंट, यूनिक एंड फन एट द सेम टाइम, एंड इट वॉज फार क्राई। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गेम जिसने फार क्राई फ्रेंचाइज को खली से भी ऊंची हाइट्स पर पहुंचा दिया था। नॉट जोकिंग, द गेम इन क्वेश्चन टुडे इज फार क्राई 3। ये गेम 2012 में रिलीज हुई थी एंड इट वॉज डेवलप्ड बाई यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल। इससे पहले फार क्राई के दो गेम्स आए थे, क्रिश थोड़ी है जो बीच में कुछ भी स्किप कर दे। फार क्राई 1 एंड 2 अच्छे गेम्स थे बट दे डिडंट सेल वेल। फार क्राई 1 एंड 2 कंबाइनली सोल्ड 5 मिलियन कॉपीज इन इट्स लाइफ टाइम, वेयर एज फार क्राई 3 sold 10 million copies in just 2 years of its release. मैंने सिर्फ 2 साल के ही sales number बताया because उसके बाद के records मिले नहीं, but I'm pretty sure कि lifetime sales 30 million से तो ज़्यादा ही होंगे। तो अगर ये number सुन के आप इस game के बारे में curious हो गए हो कि क्या ये उतनी अच्छी भी है, तो let me tell you, it slaps harder than Will Smith at the Oscars. सबसे पहले बात कर लेते हैं गेम के कॉन्सेप्ट के बारे में। यू प्ले एज जेसन ब्रोडी, जो कि एक बिगड़े बाप की अमीर औलाद है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। यस, दिस इज राइट। जेसन अपने दो भाई और अपने कुछ दोस्तों के साथ रोक आइलैंड नाम की जगह पे वेकेशन के लिए आता है। वो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, पर ग्राउंड पे आने के बाद रोक आइलैंड के पायरेट्स उन्हें कैप्चर कर लेते हैं, और यहाँ पूरी फार क्राई फ्रेंचाइज का बेस्ट विलेन इंट्रोड्यूस होता है। That is crazy. I like this phone. This is a nice fucking phone. इस बंदे का नाम है वास। I'm sorry. मुझे मालूम है बहुत गंदा जोक है। Please unsubscribe मत करना। इस बंदे का नाम है वास, जो कि पायरेट्स का लीडर है। Fun fact, जब राइटर्स गेम की स्टोरी लिख रहे थे तो वास नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं था। वास की जगह एक बुल नाम का कैरेक्टर हुआ करता था, बट माइकल मांडो ने जब बुल के रोल के लिए ऑडिशन दिया तब मेकर्स को उनकी परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने माइकल मांडो को मॉडल करके वास नाम का एक कैरेक्टर बनाया। स्टोरी पे वापस आते हैं। सो जेसन और उसका बड़ा भाई ग्रांट, जो कि आर्मी में था, वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, बट ग्रांट मारा जाता है। वास जेसन को भागने का एक मौका देता है। भागते भागते जेसन एक नदी में गिर जाता है। उसे डेनिस नाम का एक कम्प्लीटली नॉर्मल आदमी बचा लेता है और उसे लेकर आता है अपने ट्राइब के विलेज। वेलकम टू अमानाकी विलेज। डेनिस राकिया ट्राइब का मेंबर है, जो कि रोक आइलैंड के नेटिव ट्राइब है, और डेनिस की हेल्प से जेसन अपने दूसरे भाई राइली और अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने निकलता है, और यहाँ से गेम प्रॉपरली शुरू होती है। गेम की स्टोरी अच्छी है, बट गेम का अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है इसका गेम प्ले। गेम एक फर्स्ट पर्सन शूटर है विद स्टेल्थ मैकेनिक्स। आज के टाइम पे फार क्राई 3 का गेम प्ले हर गेम में मिल जाता है, बट 2012 में फार क्राई 3 ने ही ये सिस्टम पॉपुलर किया था। गेम में वेपन्स वैरायटी भी काफ़ी सही है, assault rifles, SMGs, launchers, LMGs, throwables and many more. Game का combat first person shooting पे based है और gunplay भी काफी सही है। Game में एक skill tree है जहाँ आप different skills unlock कर सकते हो to get more powerful. There is an awesome game mechanic called takedowns. अगर आप किसी enemy के पीछे sneak करके जाओगे, then you get to kill him silently with your machete. शुरुआत में आपके पास उतनी सारी skills नहीं होती, so आपको takedowns करने में मुश्किल होगी. Because enemies will spot you and you can't perform takedowns on them, so you have to fight them up front. But in later hours of the game, जब काफी सारे skins unlock कर लेते हो आप, तो you start feeling like a goddamn predator. नहीं वो वाला predator नहीं, ये वाला predator. Yes. Game में crafting system भी है, जो to be honest मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. It just comes as an obstacle between us and the fun gameplay loop. और ऐसा भी नहीं है कि आप क्राफ्टिंग स्किप कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा वेपन्स कैरी करने हैं तो वेपन होल्स्टर्स बनाओ, जिसके लिए अलग एनिमल्स की स्किन चाहिए। ज़्यादा एमो कैरी करनी है तो एमो पाउचेस बनाओ, जिसके लिए अलग एनिमल्स की स्किन चाहिए। और एक क्राफ्टिंग के लिए एनिमल्स हंट करने का लूप, और हीलिंग सिरिंज बनाने के लिए प्लांट्स हंट करने का लूप बस एक हिंड्रेंस लगता है, बिकॉज यू हैव टू गो आउट ऑफ योर वे टू गेट द इंग्रेडिएंट्स फॉर क्राफ्टिंग। गेम में मेन मिशंस के अलावा मेन हाइलाइट्स है ये आउटपोस्ट्स। आउटपोस्ट्स बेसिकली पायरेट्स के बेसिस है ऑल ओवर रोक आइलैंड। यहाँ पे आपको कुछ पायरेट्स मिलेंगे गार्ड करते हुए, और आपके पास ऑप्शन है कि आप उनसे डायरेक्टली फाइट करें या फिर स्नीक मोड एक्टिवेट करें। अगर आप आउटपोस्ट का अलार्म डिसेबल कर देते हो तो पायरेट्स आपको स्पॉट करने के बाद भी
रीइंफोर्समेंट नहीं बुला पाएंगे। बट इफ यू फेल टू डू दैट, पायरेट्स रीइंफोर्समेंट्स बुला लेंगे एंड आउटपोस्ट क्लियर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ आउटपोस्ट पे एक वाइल्ड एनिमल केज में बंद होता है, तो अगर आप उस केज को शूट करके ओपन कर दो, देन यू कैन वॉच दैट एनिमल एनिहिलेट ऑल द पायरेट्स ऑफ द आउटपोस्ट। क्राफ्टिंग के अलावा एक एस्पेक्ट और है गेम का जो मुझे काफी वीक लगता है, और वो है इसका एक्सप्लोरेशन। गेम का मैप अनलॉक करने के लिए आपको रेडियो टावर्स एक्टिवेट करने होते हैं। एक रेडियो टावर एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मैप अनलॉक करता है, बट ये चीज़ भी 5-6 रेडियो टावर्स एक्टिवेट करने के बाद अनोइंग लगने लगती है, बिकॉज जस्ट लाइक द क्राफ्टिंग सिस्टम, इट्स एन हिंड्रेंस बिटवीन यू एंड द एडिक्टिव गेम प्ले लूप ऑफ फार क्राई 3। गेम के मिनी मैप पे आइकन्स ही आइकन्स भरे पड़े हैं यार। मेन मैप पे आइकन्स, मिनी मैप पे आइकन्स, जैसे यूबीसॉफ्ट डर रहा था कि एक्सप्लोर करते करते प्लेयर कहीं खो ना जाए। बट इसी मैप आइकन्स ब्लंडर में वो एक्सप्लोरेशन का कोर एस्पेक्ट ही भूल गए। एक्सप्लोरेशन गेम में कभी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वाओ ये क्या है, या फिर वाओ ये सीक्रेट केव मैंने खुद ही से ढूंढी, बिकॉज रेडियो टावर एक्टिवेट करने के बाद दे आर मार्क्ड ऑन योर मैप। एक्सप्लोरेशन बहुत गेम्स ढंग से पुल ऑफ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे होल्ड योर हैंड टू मच एंड दे डोंट लेट यू एक्सप्लोर। एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर गेम्स आर सपोज टू जस्ट ड्रॉप यू इन देयर गेम एंड लेट यू एक्सप्लोर, एंड यही मेरा मेन ग्राइप है विद फार क्राई 3's ओपन वर्ल्ड। इट फील्स कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड एट द सेम टाइम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और मे बी आई एम गोइंग ऑन अ रैंट अबाउट एक्सप्लोरेशन, बिकॉज दो हफ्ते पहले ही मैंने एल्डन रिंग फिनिश की है, और एज वी ऑल नो एल्डन रिंग की एक्सप्लोरेशन के सामने फार क्राई या यूबीसॉफ्ट की कोई गेम नहीं टिक सकती। सो यू नो, लेट्स मूव ऑन। गेम की जो स्टोरी है वो जेसन की डिसेंट इनटू मैडनेस एंड किलिंग के बारे में है। कैसे जेसन अपने दोस्तों को बचाने के लिए लड़ना शुरू करता है, बट धीरे धीरे उसे इन किलिंग्स में मजा आने लगता है, लाइक इट्स एन एडवेंचर। आई मीन एट वन पॉइंट इट इज एन एडवेंचर। और यही फीलिंग तो प्लेयर की भी है ना, जब आप आउटपोस्ट क्लियर कर रहे हो आप ये नहीं सोच रहे कि आपके दोस्त किस हालत में होंगे। यू आर थिंकिंग हाउ डू आई किल दिस पायरेट, अलार्म्स कैसे डिसेबल करूं, एटसेट्रा। जेसन की फीलिंग्स एग्जैक्टली रिजेंबल करती है प्लेयर की फीलिंग्स को। आप भी जेसन की तरह मेन गोल भूल जाते हो, दैट यू आर नॉट हेयर टू एंजॉय किलिंग दीज पायरेट्स, यू आर हेयर टू सेव योर फ्रेंड्स। फार क्राई 3 एक लैंडमार्क है इन वीडियो गेम्स एंटायर हिस्ट्री। फार क्राई 3 इतनी ज्यादा सक्सेसफुल थी कि ऑलमोस्ट एवरी गेम आफ्टर इट वॉन्टेड टू बी फार क्राई 3। इवन यूबीसॉफ्ट रिसाइकल्स द सेम फार्मूला इन एवरी गेम दे मेक नाउ। फार क्राई, असैसिन्स क्रीड, वॉच डॉग्स, ये सब यूबीसॉफ्ट की फ्रेंचाइजेस हैं, एंड दे आर ऑल कॉपिंग द सेम टेम्पलेट एज फार क्राई 3। फार क्राई 6 सही थी, बट इट स्टिल हैजंट इनोवेटेड इनफ टू फील लाइक अ फ्रेश एक्सपीरियंस। बट हे, एटलीस्ट वी कैन स्टिल प्ले द मास्टरपीस व्हिच इज फार क्राई 3। दैट्स ऑल आई हैव टू से अबाउट फार क्राई 3। क्रेटोस 12351, बढ़िया यूजर नेम है भाई, वॉन्टेड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज ही कॉमेंटेड ऑन द लास्ट वीडियो, जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। प्लीज देख लो, मुझे वॉच टाइम चाहिए। एनीवेज, अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही किसी गेम या फिर गेमिंग रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट इट डाउन बिलो। एंड ऐसे ही और गेमिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू ऑल व्हेनेवर द नेक्स्ट वीडियो इज रेडी। टिल देन, पीस।